बहरहाल चोंगे मिठाई खाना कौन गलत कहता है भाई, लोग बोलते हैं ये सब हमारे मिठाइयाँ ख़त्म कर रहे हैं लोग, कोई खाने की चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं, बूंदी बंद कर दी, लड्डू बंद कर दिया, चोंगे बंद, कनोले बंद, और सब बंद, मिठाइयाँ बंद, खिचड़ा, अब ये मीठी तो मीठी है, आप तीखी चीज़ें भी बंद कर रहे हैं, खिचड़ा बंद, तंदूरी की बिरयानी बंद, दालचा बंद, क्या है ये सब बंद करने पे तुले हुए हैं लोग। हमारे मौलवी कितने अच्छे हैं, खाने की कितनी सारी चीज़ें बताते हैं हमको, टेस्ट करके ही बताते हैं हाँ बहुत अच्छा बना है, और आप लोग हो कि आप लोग सारे खाने बंद कर रहे हो। आपको चोंगा बहुत अच्छा लगता है, अगर आप कभी बना के साल में कोई दिन खाओ आप उसको, लेकिन आप मुहर्रम में चोंगे बना रहे क्यों भाई, मुहर्रम का चोंगे से क्या ताल्लुक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुहर्रम में चोंगे बनाओ, ये कौन सी डिश है और ये क्या मुहर्रम से इसका क्या ताल्लुक है? यानी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये नहीं करना चाहिए। मुहर्रम का खिचड़ा, बाज़ उलमा ने कहा कि ये यानी नासबियों का तरीका है, राफिजी और नासबी जो हैं ये फ़िरके हैं, इनका तरीका है। तो मुहर्रम में खिचड़ा, आपको बाकी दिनों में खिचड़ा खाना है होटल में आप जाओ, जुमा के दिन आपको खिचड़ा मुसलमान होटल में मिल जाएगा, तो आप खिचड़ा खाना है खाओ। मुहर्रम के दिन मुहर्रम में खिचड़ा बनाया जाता है समझकर उसको दीन समझ के करना ये बिदात है, नहीं करना चाहिए। इसी तरह से चोंगे बनाना मुहर्रम में, या और दूसरी खीर बनाना किसी खास रजब में, और कनोले बनाना और उसको सीक्रेट में खाना, ये सीक्रेट मिशन कहाँ से आया भाई? बनाते हैं ना रजब में, क्या करते हैं, पर्दा लगाते हैं किसी को मालूम ना होने पाए, और अंदर वो गमले आप फूल लगाने के लिए है या उसमें आप खीर खाने के लिए, गमलों के अंदर कहाँ से खीर, कौन खाया था बताइए, सहाबा से मिलता आपको, वो गमलों के अंदर जिसमें यानी पौधे उगाए जाते हैं उसके अंदर खीर जमा करते हैं और खाते हैं मिट्टी के ही बर्तनों के अंदर, और खाने के बाद हाथ वाथ उसी में धोते हैं, मुंह पोछ के एकदम रोज़ेदार की तरह बाहर, मैंने कुछ नहीं खाया ऐसा बन के बाहर आते हैं। छुप के खाने का तरीका इस्लाम में कहाँ से आया? इस्लाम तो बताता खुल के सबको बांट के खाओ, आपने खुद कहा इस्लामी वाला तामिको वज़कुरुल्लाह युबारक लकुम फी, कि अपने खानों पर जमा हो और अल्लाह का नाम लो, तुमको बरकत दी जाएगी। तो ये कौन सा एकदम छुप छुपा के एकदम किसी को नहीं बता के खाना, ये मालूम होता कोई तो ये गुनहगारी खाना है, ये कुछ तो गड़बड़ खाना है, ये ओपन में नहीं खा सकते, छुप के सीक्रेट में खा रहे हैं, तो चोरी का काम है कुछ तो। ये तो ये जो है मुआविया रदी अल्लाह तआला की वफ़ात पर शिया लोगों ने किया था इस तरह से, उसी डेट पर मुआविया रदी अल्लाह तआला की वफ़ात, और बहुत नफरत करते हो मुआविया रदी अल्लाह तआला से। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चोंगे हों या जो भी इस तरह की चीज़ें हों, आपको बाकी दिनों में कुछ भी खाना है आपको खाओ आप, लेकिन उसको दीन मत बनाओ, उसको दीन बना के आप खाओगे ये गलत बात है।